एवरीवन, वेलकम टू मसाला मैजिक किचन। मसाला मैजिक किचन में मैं आज आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी लाई हूँ, जिसमें आपको मिर्ची भजे के साथ साथ समोसे का भी टेस्ट आएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने मोटी भजी वाली मिर्ची ले ली थी। इसमें मैंने एक स्लिट लगा के इसमें से काफ़ी सारे बीज बाहर निकाल दिए हैं और इसे वॉश करके अच्छे से इसमें नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। इसकी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके इसे अच्छे से गर्म कर लिया था। इसमें हम जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा थोड़ा सा तड़कने लगेगा, इसमें हम बारीक कटे हुए 1 टेबल स्पून ऑनियन ऐड करेंगे। अनियन को थोड़ा सॉफ्ट, थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अनियन के साथ सॉटे करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉटे हो चुकी है, इसमें हम बारीक चॉप गाजर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून गाजर को 1 मिनट सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन बेल पेपर और येलो बेल पेपर लिए हैं, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और गाजर और कैप्सिकम को थोड़ा सॉफ्ट होते तक सॉटे करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून बॉइल्ड ग्रीन पीस ऐड करेंगे। ग्रीन पीस को भी थोड़ा सा सॉटे करेंगे। पर मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और प्याज के जितना नमक ऐड करेंगे। मैंने एक ग्रीन चिली को बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ बेसन ऐड करूंगी। बेसन ऐड करने से हमारी जो स्टफिंग है उसमें से मॉइस्चर हट जाएगा, हमारी स्टफिंग मॉइस्ट नहीं होगी ज़्यादा। जब हमारा बेसन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस ऐड करेंगे। मैंने 2 बड़ी साइज़ के आलू को बॉइल कर लिया था, इसमें मैं थोड़े से आलू ऐड करूँगी। आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा सूखा धनिया, बाकी के स्पाइसेस भी हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। लास्ट में मैं इसमें क्रश किया हुआ पनीर ऐड करूंगी। हाफ कटोरी के जितना पनीर है, इन सभी को काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा चीज भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसमें हम आलू के जितना नमक ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने मिर्ची भजे के लिए एक डो रेडी करेंगे। इसको उसको बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी।
टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूंगी, 1 टेबल स्पून शुद्धगी ऐड करूंगी। मैं इसमें शुद्धगी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, बटर का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। हमें इसे बिल्कुल समोसे के डो की तरह गूंथना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस घी को पूरे मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा घी पूरे मैदे में मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका एक टाइट डो रेडी करेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट डो रेडी हो चुका है। स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी होती है, तब तक हम आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। मैदे के आटे की इस तरह से छोटी सी लोई तोड़ देंगे और इसे हम रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। इसमें मैं चाकू से थोड़ी सी छेदी करूंगी ताकि ये फूले ना। इसे चाकू या पिज्जा कटर की हेल्प से पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे इसकी। इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारी जो स्ट्रिप है भजिए में अच्छे से चिपक जाए, वो बाहर अच्छी भजिया लेंगे। इसमें हम अपनी स्टफिंग को थोड़ा सा प्रेस करते हुए भरेंगे अच्छे से, इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग के साथ ये मिर्ची भजी में भरा गई है। थोड़ा प्रेस करते हुए डालिए। अब हम इन स्ट्रिप्स को मिर्ची भजिए में स्टार्टिंग से इसमें थोड़ी थोड़ी लपेटते जाएंगे, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इन स्ट्रिप को मिर्ची भजी में लपेटते जाना है। जहां एक स्ट्रिप एंड होती है वहीं से दूसरी स्ट्रिप को स्टार्ट करना है लपेटना। और आगे वाली जो स्पेस थी मैंने उसको ऐसे दबा के पूरे को सील कर दिया है। देखिए इस तरह से हमें अपना मिर्ची भजिया बिल्कुल रेडी करना है। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए हमने मिर्ची भजिए को इस तरह से रेडी कर लिया है। इसे अब हम हॉट ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम अपने मिर्ची भजिए डालते हैं और इन्हें डीप फ्राई करते हैं। देखिए हमारे मिर्ची भजिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनमें से कोई भी स्ट्रिप बाहर नहीं निकली है, ये बिल्कुल भी नहीं खुला है। क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करना है। डिफरेंट एंड यूनिक स्टफिंग के साथ एंड डिफरेंट कवरिंग के साथ हमारे बिल्कुल यूनिक मिर्ची भजिए बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे बनाइए, आई होप ये आपको ज़रूर पसंद है। इन्जॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।